दोस्तों, कैंसर पर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने कैंसर के बारे में जानकारी दी थी। पर्टिकुलर अलग अलग तरह के कैंसर, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, या मुंह का कैंसर हो गया यानी जुबान का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और उसके साथ साथ उसमें काम में ली जाने वाली होम्योपैथी मेडिसिन या होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज उसी में एक और हम लोग कैंसर से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लेंगे जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा स्टोमक से जुड़ा हुआ आपका जो कैंसर होता है यानी आपके जो पेट में कैंसर बन जाता है उसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या लक्षण मिलते हैं, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इन सभी बातों के बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड़, जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कैंसर जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि नाम सुनने में बड़ा ही खतरनाक लगता है और नाम सुनने से हमें डर लगता है। दोस्तों, कैंसर जो होती है वो काफ़ी कई दफ़ा काफ़ी तेज़ी से फैलता भी है। समय पर हम लोग इसका अगर उपचार शुरू कर देते हैं तो हमें इसमें सक्सेस होने के या सक्सेस रेट के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इसमें लापरवाही की जाए तो यह आपके लिए जानलेवा हो सकती है। यह आपके स्टोमक में, स्पेशली आपके जो जहाँ से ईसोफेगस यानी जो भोजन नली होती है वह स्टोमक से जहाँ पर जुड़ती है उस जगह सबसे ज़्यादा होने वाला ये एक कैंसर होता है। दोस्तों, जो कैंसर है यह कैंसर आपको शुरू शुरू में आपको ज़्यादा पता भी नहीं चलता है, इनिशियली इसके कोई ज़्यादा लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसमें आपको जब ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो इसमें आगे जाकर आपको इसमें कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, लक्षण पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि आखिर स्टोमक कहाँ होता है यानी आपका जो स्टोमक कैंसर है वो कहाँ पर पाया जाएगा। दोस्तों, आप जब भी खाना खाते हैं, जब आप मुंह में आप इसको खाने को चबाते हैं, उसके बाद जब आप उसको निगलते हैं तो वो भोजन नली जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस से होता हुआ वह आपके स्टोमक में जाता है या जिसको हम बोलते हैं पेट, पेट में जाता है। यह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, आपके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्थित होता है फसलियों के नीचे। और स्टोमक का यानी जो आपका पेट होता है उस पेट का मुख्य एक रोल होता है आपके डाइजेशन में आपको एक तो हेल्प करना, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ में कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी आपके खाने के साथ साथ आपके पेट में चले जाते हैं। और इस जो बैक्टीरिया जो है आपके खाने के साथ में आपके जो पेट में पहुँचे हैं, इस बैक्टीरिया को आगे आपके शरीर को कोई तरह का नुकसान नहीं पहुँचाए आपको, उसके लिए आपको उसको बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए स्टोमक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसके अंदर एसिड सिक्रीशन होता है और यह जो एसिड होता है यह वहाँ के बैक्टीरिया जो होता है इस बैक्टीरिया को मारने में, किल करने में उसमें आपको हेल्प करता है। यह इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और उसके साथ साथ ही डाइजेशन में भी काफ़ी हद तक ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया था एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी यह एक बहुत ही लचीला एक ऑर्गन होता है जो कि जिसमें कि कॉन्ट्रेक्शंस होते रहते हैं, और यह कॉन्ट्रेक्शन एसिड को आपके भोजन के साथ में फ्रीक्वेंटली मिक्स करता रहता है जिसकी सहायता से आपके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों, यह इसका एक स्टोमक का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है, इस तरह से ये आपके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन जब कभी भी इसमें स्टोमक में कैंसर डेवलप हो जाए तो इसमें आपको धीरे धीरे इसमें आपको डाइजेशन में या और भी कहीं भी जो आपके बॉडी में कई सिम्टम्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सिम्टम इनिशियली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में इसमें आपको कोई ज़्यादा लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे, हो सकता है इनिशियली आपको इनडाइजेशन हो, आपको एसिडिटी रहे, आपको आपका पेट फूल जाए खाना खाते हैं तो, यानी कॉमनली जो आपको गैस जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग हो जाना, जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा जब गैस बनती है, इनडाइजेशन की जो शिकायत होती है, वो वाले जो कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं, और हम जनरली उसको समझते हैं कि हमें एसिडिटी की शिकायत है या हमें जनरली थोड़ी गैस ज़्यादा बन रही है। लेकिन जब जब समय बीतता है और ये आपके प्रॉब्लम्स बढ़ती है तब इसमें फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा के देखते हैं, तब पता चलता है कि हाँ हमें स्टमक का कैंसर हो गया है। लेकिन दोस्तों, एक और बात जो है मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सारी एसिडिटी या सारी जो भी इस तरह की जो ब्लोटिंग या ऐसी कुछ भी होती है या गैस बनती है तो जरूरी नहीं आपको स्टमक का कैंसर ही हो, लेकिन जब कभी भी आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं लंबे समय से तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले, और ज़्यादा अगर आपको इसमें सीवियरिटी ऑफ सिम्टम है यानी आपको अगर ये तो बात हुई थी इनिशियल स्टेज की, अगर आपको सिम्टम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं यानी प्रॉब्लम जैसे जैसे बढ़ती है तो उसमें आपको फिर कुछ और ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, आपको आपको उल्टियाँ हो सकती है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है यानी स्टूल के साथ में, उसके साथ साथ आपको स्टूल में भी आपको ब्लड आ सकता है, वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है, नौशिया रहेगा आपको खाना खाने के बाद, उपकई जैसा रहेगा, और उसके साथ साथ आपको हर्ट बन रहेगी, यहाँ पे आपको जलन महसूस होगी, साथ ही साथ आपको जैसा मैंने बताया था जो कॉमन सिम्टम है ब्लोटिंग होना, पेट में भारीपन वगैरह वो तो रहेगा ही, और उसके साथ साथ दोस्तों आप पाएंगे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो धीरे धीरे वो कम हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा थकान रह रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, और आपका जो वजन है वजन धीरे धीरे आपका घट रहा है क्योंकि आपको भूख प्रॉपरली नहीं लगेगी, और आप जब खाना खाते तो हो सकता है आपको उल्टियाँ भी हो जाए। इस तरह से जब आपको प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा, आपको भूख प्रॉपरली नहीं लगेगी, ब्लड लॉस होगा, उसके कारण आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है।
और इसके साथ साथ दोस्तों आपके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में आपको वहाँ पर दर्द महसूस होगा। दोस्तों ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपके स्टमक में, आपके पेट में अगर आपको कैंसर डेवलप हो गया तो। अब हम बात करते हैं इसके कारण की, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से कैंसर जो होता है वो पेट का डेवलप होता है। तो इसमें वैसे बेसिकली इसके कोई फिक्स कॉज नहीं है इसके, लेकिन इसमें कुछ कारण होते हैं जो कि इसकी कैंसर के स्टोमक में कैंसर होने की रिस्क फैक्टर को बढ़ा देते हैं, यानी आपको चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसमें हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें अगर आपको परिवार में अगर आपके कैंसर है या स्टोमक का कैंसर हुआ है तो आपको रिस्क बढ़ जाती है। अगर आपका ओवरवेट है या आप अपने वेट को आप नियंत्रित नहीं रखते हैं तो आपको रिस्क बढ़ती है। पेट की अगर आपको किसी तरह की सर्जरी भी है तो आपको इसमें रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी बहुत रहती है, जीआरडी बहुत रहता है, रिफ्लक्स होता है आपको खाना जो होता है वो खाना, कई पेशेंट आके बोलते हैं उनको रिफ्लक्स डिजीज है, उनको खाना ऐसा लगता है वापस मुंह में आ रहा है, जलन रहती है, खट्टी डकारें आती है, ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत रहती है, रिफ्लक्स डिजीज रहती है, उन लोगों को भी इसमें जो स्टमक कैंसर रहते हैं उसको होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों जिनको एच पायलोरी जो कि पेट का एक इन्फेक्शन होता है, वो अगर उनको एच पायलोरी इन्फेक्शन है लंबे समय से, तो एच पायलोरी इन्फेक्शन के कारण भी आपको स्टमक कैंसर होने की रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा एबेस्टनबर्ग एक वायरल इन्फेक्शन होता है, अगर वो आपको उससे संक्रमित हैं अगर आप, तो उसमें भी आपकी रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ही जैसा कि मैंने बताया अगर आपको पेट की किसी तरह की सर्जरी हुई है तो सर्जरी के कारण भी आपको इसमें रिस्क फैक्टर जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना लेते हैं और उसके साथ साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा साल्टी खाना लेते हैं, स्मोक्ड फूड अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो यह भी कहीं ना कहीं आपके रिस्क को बढ़ाते हैं स्टोमक कैंसर में। इसके साथ में अगर आपका आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर आपको मेटल से और इसके साथ साथ ही दोस्तों कुछ केमिकल से, कोल से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो वह भी कहीं ना कहीं आपको रिस्क को बढ़ा सकता है। साथ ही अगर आपके स्टोमक में कोई पॉलिप है तो पॉलिप के कारण भी आपको आगे जाकर हो सकता है आपको स्टोमक में कैंसर डेवलप हो जाए। दोस्तों यह ऐसे कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपको या जिसके कारण आपको स्टोमक कैंसर हो सकता है। दोस्तों जब कभी भी आपको स्टोमक कैंसर हो जाता है आपको इसमें कुछ कॉमन सिम्टम जैसा मैंने आपको बताया है देखने को मिलते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। उसमें आपको कुछ टेस्ट होते हैं, कॉमन टेस्ट हैं जो कि आपको करवा के देखे जाते हैं आपके डॉक्टर द्वारा। उसमें जो सबसे कॉमन टेस्ट होता है वो होता है सीबीसी, उसके साथ साथ में आपका सिटी स्कैन करवा के देखा जा सकता है, एक आपका अपर जीआई का एक एंडोस्कोपी होता है वो भी आपका करवा के देखा जा सकता है, जिसकी सहायता से पुष्टि हो सकती है कि कहीं आपके स्टोमक में कैंसर तो नहीं है। और उसके साथ साथ कन्फर्मेशन के लिए आपकी बायोप्सी भी करवा के देखी जा सकती है। इसके अलावा और भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके डॉक्टर करवा के देखते हैं, जिसके सहायता से पता लगाया जा सकता है कि आपके कहीं स्टोमक में कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। और जितनी जल्दी आप इसमें अपना उपचार शुरू करेंगे उतना ज़्यादा इसमें सक्सेस रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है। दोस्तों यह तो बात होगी इसके लक्षण की, इसके कारण की और उसके साथ साथ इसको कैसे पहचाना जाएगा, ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं या इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि कहीं हमें स्टोमक कैंसर तो नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों जब कभी भी आपको स्टमक में कैंसर हो जाता है तो मैं आपको सजेशन दूंगा अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जो भी आपके स्पेशलिस्ट हैं उनके अंडर में, आप जो भी आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर में जैसे भी ट्रीटमेंट चल रहा है आप उनको जरूर फॉलो करें। और उसके साथ साथ में आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, आपकी जो परेशानियाँ होती है आपकी जो उसमें आपको कम करने में आपकी मदद करती है, आपकी जो सफरिंग है उसको कम करने में आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करती है। इसलिए आप अपने एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ में आप होम्योपैथी जरूर लें। दोस्तों इसके लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें आपको ट्रीटमेंट पार्ट की, तो ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कुछ बातों का आप ध्यान रखें। जैसे एक अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल आप अपनाएं, आप फाइबर फूड जो फ्रूट्स वगैरह हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया वो अच्छी मात्रा में लें। बाहर का जो भी स्पाइसी बहुत ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आप उसको अवॉइड करें। उसके अलावा आप स्मोक फूड जो हो गया, बहुत ज़्यादा साल्टी फूड लेते हैं तो उसको भी आप अवॉइड करें। अपना हेल्दी वेट जो होता है वो उसको आप मेंटेन करें जैसा मैंने आपको बताया था। और उसके साथ साथ में दोस्तों आप अगर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो स्मोकिंग भी कहीं ना कहीं आपके इसको रिस्क को बढ़ाता है, इसलिए आप स्मोकिंग आप अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। इन कुछ बातों का आपको विशेष तौर से अगर आपको ध्यान देना होता है, अगर इन बातों का आप ध्यान देते हैं उसके साथ साथ होम्योपैथी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें काम आने वाली कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन की, जिसके कि बहुत ही इसमें शानदार रिजल्ट्स हैं। इसमें दोस्तों ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से सबसे पहले जो मेडिसिन है वो होती है कार्सिनोसिनम 200। इसको आपको 3 बूंद डायरेक्ट जी पर वीक में केवल एक बार आपको इसमें आपको
रिकमेंड की जाती है। इसको जैसे 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे लिया, उसके बाद आपको मान लीजिए संडे को लेते हैं, नेक्स्ट संडे को आपको इसको रिपीट करना होता है। इसी तरह से एक और जो मेडिसिन है जिसके कि स्टमक के कैंसर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, वो है ट्यूबरकुलिनम 1M। ट्यूबरकुलिनम 1M को भी आपको 3 बूंद डायरेक्ट टंग पर लेना होता है और इसको केवल 15 दिन में एक बार आपको इसको रिपीट करना होता है। 1 तारीख को मान लीजिए आपने 3 बूंद डायरेक्ट टंग पर आपको जुबान पर आपने डाला है, तो नेक्स्ट 15 तारीख को आपको इसको रिपीट करना होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों, जो कि है मदर टिंचर, एक हाइटेस्टिस कैन का मदर टिंचर है जो कि स्टमक कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है। और इसको लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ में आपको सिप बाई सिप पीना होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो होती है कुंडूरेंगो। कुंडूरेंगो का मदर टिंचर भी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और आपकी जो स्टमक में जो आपको कैंसर हो गया है उसके साथ साथ आपको काफ़ी पेन होता है उसमें आपको सफरिंग को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके मदर टिंचर को भी लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाई सिप पीना होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है आपको फॉस्फोरस 30। फॉस्फोरस 30 भी स्टमक कैंसर की बहुत ही अच्छी दवा है, खास दवा है। फॉस्फोरस 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जी पर दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों ये इसकी कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिसके कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे कि आपको इसमें आर्सेनिक एल्बम दी जा सकती है, कैडमियम सल्फ दी जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि आपके सिम्टम को ध्यान में रखते हुए देते हैं तो और अच्छे इसमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसलिए दोस्तों आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।